तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थैले पर जो पाव भाजी बनाई जाती है वो किस तरह से बनाई जाती है, जिसको आप भी अपने घर पर थैले जैसी पाव भाजी बनाकर अपने फैमिली के साथ खाने का आनंद ले सकते हैं। तो पाव भाजी जो बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो दोस्तों, पाव भाजी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और गैस जो है वो हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हमें 2 टेबल स्पून के आसपास कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे और 20 ग्राम फ्रेश अमूल बटर को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर तेल इसलिए ऐड किया है ताकि जो बटर है वो एकदम से जले नहीं। तो इसके बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून जीरा को ऐड करेंगे और जीरा को थोड़ा सा भुनने देंगे। उसके बाद 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे और साथ ही साथ 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई को ऐड कर देंगे। अब हमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, यानी कि एकदम से ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो 50% ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद 1 टमाटर क्यूब साइज़ में कटा हुआ को ऐड कर देंगे। 1 कच्चा आलू को छीलकर हमने क्यूब साइज़ में कटा हुआ है तो इसको भी ऐड कर देंगे। 1/2 कप के आसपास हरे मटर को ऐड कर देंगे। अब इन सभी को हम भून लेंगे तेल और बटर के साथ। फिर हमें आवश्यकता अनुसार नमक को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम 1 कप के आसपास पानी को ऐड कर देंगे और इसको ढक्कन से कवर करके हम इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। करीबन 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने 7 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पका लिया है और यहाँ पर जो हमारे आलू मटर और टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी पाव भाजी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। फिर हम यहाँ पर पाव भाजी मसाला को ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून के आसपास पाव भाजी मसाला को ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब यहाँ पर हम मिक्सर की सहायता से हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी को और बढ़ा देंगे। और 1 लेमन स्लाइस का जूस को ऐड कर देंगे और हरा धनिया पत्ती को ऐड कर देंगे। और ये हमारी भाजी बनकर तैयार है, जो कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको अभी हम ढक्कन से कवर करके और इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हम पाव को बटर के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पाव लिए हैं, जिसको बीच में चाकू की सहायता से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और इसके अंदर 20 ग्राम बटर को ऐड करेंगे और तवे पर अच्छे तरीके से फैला लेंगे और पाव ब्रेड को अच्छे तरीके से बटर के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब हम प्लेट में रख देंगे, साथ में भाजी भी ऐड कर देंगे। और यह हमारी थैले जैसी पाव भाजी सर्व के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से आप अपने घर पर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे पाव भाजी तैयार किया है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो।